लोग भारत के देखिए देखिए पुलिस के लोग इनको ले जा रहे हैं बातचीत करने के लिए ले जा रहे हैं पुलिस के लोग। नहीं कोई डर नहीं लगता हम लोग नहीं है तो फिर आप पीछे जाइए, नहीं बात करनी तो पीछे जाइए, बात करने के लिए तो खड़े हैं ना, तो फिर आ जाओ ना, यहाँ तक आने में क्या दिक्कत है, वो बैरियर है, इधर आओ, आ तो रहे हैं, आओ फिर आओ, आ जाओ। देखिए पुलिस इनको ले जा रही है बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये लोग आगे आए थे कि हम बातचीत करना चाहते हैं, मेरे कैमरा मैन आगे दिखाएंगे उनको, आगे आने दें ताकि उनसे बातचीत की जा सके, बात कर लेने दीजिए, मीडिया प्लीज, ये देखिए बातचीत के लिए ये आए हैं पुलिस के साथ, काम कर रहे हैं, आप आराम से रहिए, आराम से सर। पहली बात तो ये, हम लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है, हम किसान हैं, हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है, हम किसी नुमाइंदे को नहीं मानते, सब किसान है इधर, किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं, हम लोग भारत के बशिंदे हैं, हमारे भारत की ये राजधानी है, हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं, दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए, झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है, हमें लग रहा है, नहीं आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा, नहीं अभी अभी क्या ये क्या है, झगड़ा नहीं है, नहीं ये झगड़ा क्या नहीं है, आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है, कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने, ये हुकूमत ने हमारे गाल में फांसी का फंदा डाल दिया, हुकूमत की आप दुहाई दे रहे हैं ना जी, उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के, आप करिए ना, दो तरीके बताइए, बाकी 99 आप रखे, आप अदालत में करिए उसके बारे में, जो आपने बंद कर दिया पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकते, और इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए, सर जी हम लोग दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा करने के लिए, कोई नेता नहीं है, नहीं हम भी नेता नहीं है, हम लोग नेता नहीं है, हम भी नेता नहीं है जी, चल रही है आपकी गिनती कितनी है, कितनी गिनती है आपकी, गिनती तो हमें आप हजारों के सर, बिहार में इलेक्शन हुए हैं, कोविड था बिहार में, इलेक्शन हुए हैं बिहार में, इलेक्शन सर जी मैं बोलता हूँ बिहार में इलेक्शन हुए, कोविड है, बिहार में इलेक्शन हुए तो उसके अंदर क्या आपको लगता है गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई, नहीं हुई हजारों लाखों का ऑब्जर्वर आप ही थे क्या, इलेक्शन कमीशन जो मीडिया ना कवरेज इनकी देखते थे हम लोग, इनकी कवरेज है लाखों का इकट्ठ था, सर हम लोग कोई नेता नहीं है, हम सच बोलते हैं, सच हम किसान है, कुछ नहीं, अगर पूरी दुनिया दिख जाती तो फिर तो पता नहीं क्या बात हो जाती, सर वो तो मालूम है, अभी आप क्या कहना चाहते हैं, हम लोग ये कहना चाहते हैं, हम लोग भारत के बशिंदे हैं, ये हमारी राजधानी है, भारत के बशिंदे हम भी भारत के बशिंदे हैं, हम लोग आपसे बात करने आए और हम भी आपसे बात ही करना चाहते हैं, ये सर हम लोगों को परेशान मत किया जाए, नहीं हम परेशान नहीं जाएंगे, जंतर मंतर पर आराम से बैठेंगे, अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे हम लोग फासला करके बैठेंगे, अगर आप लोग मास्क ला के बोलोगे तो मास्क ला के बैठेंगे, लेकिन अभी आप लोग हमारे साथ झगड़ा मत करो, क्योंकि झगड़ा किसान नहीं कर रहा, हम लोग 50 दिन से पंजाब में बैठे हैं, एक भी ऐसे करके किसी को लाठी नहीं मारा, किसी का सामने हाथ जोड़ी है, क्योंकि वो हम लोग कौन को हाथ लगा देते हैं, हमें जाने, देखिए सरदार जी आप बड़े हैं, ये हाथ पैर वाली बात मत कीजिए, लेकिन लेकिन एक बात आप क्लियर मान लीजिए, आप वहाँ पर है वहाँ रहिए, ठीक है आप इंतजार कीजिए, ठीक है अभी आप वहाँ वापस जाइए, ठीक है और जब हम बात करते हैं, अभी आप वापस जाइए, एक मिनट बात सुन ले, आप बोलिए हमारे को चाहे आधा घंटा रोक लो चाहे दो दिन रोक लो, पर यहीं से जो आपने तार लगा दिया आप अपनी ड्यूटी करें, हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे, हमने यहीं से निकलना है, आज निकल जाए कल निकल जाए एक घंटे में निकल जाए, एक साल बाद 5 लाख का, एक मिनट ठीक है कोई बात नहीं, हमने आपका हमारा पक्ष रखने दो, बोला है हम आपको निवेदन किया है, नहीं झगड़ा करती है, नहीं करती तो आपके सुरक्षा के लिए ये तो आप सहयोग कीजिए, हम कह रहे हैं आप वही इंतजार कीजिए, देखो आप दो दिन बैठोगे हम भी दो दिन खड़े रहेंगे, आपको अगर आप 10 दिन बैठोगे हम भी 10 दिन खड़े रहेंगे, इसलिए पहले आप वहाँ जाइए, ठीक है जी पहले आप वहाँ जाइए, अजी भैया मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, हमने भी खेती करी है लावनी करी है, तो मैं इसीलिए मैंने भी लावनी करी है, आप क्या कहते हो मैंने भी भैंस चराई है किसान के परिवार से हूँ, आप जाइए अगर मेरी बात सुने,
हम लोग शंभू सेंटर हुए हैं। पहले देखो नहीं, हम नहीं जाते पीछे, कोई बात नहीं। पहले आप वहाँ जाइए, शंभू सेंटर है, आपकी बात सुनी हमने, आपकी बात सुनी, अभी आप वहाँ जाइए। पानीपत में मारी, करनाल में मारी, चल के वहाँ से हमारी बात सुन। हमें मैं आपके परिवार से हूँ, मैं वहाँ पर भी चल के वहाँ पर भी चला जाऊँगा, अकेला आ जाऊँगा। आप लेकिन आप पहले वहाँ जाइए, पहले वहाँ जाइए। आप अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो पहले जाइए। अगर आप किसान के बेटे हो तो मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप जाइए पहले। ठीक है, आएंगे आएंगे। पहले आप वहाँ जाइए तो सही। अब आपने कहा बात सुन ली, हमने आपकी बात सुन ली। सुरेंद्र यादव जी आप वादा कर रहे हैं, आप पहले वहाँ जाइए ना, आप जाइए। सुरेंद्र यादव जी आप वादा करते हैं, आप आओगे बात करने के लिए। आप पहुँचो तो सही पहले। सुरेंद्र यादव जी आप वादा करो, बात की नहीं, आप पहुँचिए। मेरे आने की बात है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप पहले वहाँ पहुँचिए। हाँ जी पहुँच गए, पहुँचिए। एक बार क्लियर कर देते हैं, यहीं से जाएंगे। तार लगा लो। सुरेंद्र यादव जी आप वादा कर रहे हैं हमारे साथ। सोनिहाल सात श्री अकाल, सेंटर सरकार, सेंटर सरकार मुर्दाबाद, सेंटर सरकार मुर्दाबाद, मेरा पंजाब जिंदाबाद। सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी, सोनिहाल देख सकते हैं कि सोनिहाल जाने नहीं देंगे। हम लोग बता रहे हैं, सुरेंद्र यादव जी खड़े हैं, प्रीस के सीनियर हैं। इन्होंने बोला है आप लोग शांतमयी से बैठे, हम आपके पास बात करने के लिए आएंगे। हमने वादा लिया इनसे, रात 12 बजे आए, 15 20 जने की गिनती सी। इन्होंने एक गैस का गोला छाड़ता, ये लोग मुराद नहीं होता। अभी हम लोग एक घंटे तक इनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफिला पीछे से चल रहा। अगर इधर पूरा काफिला पहुंच गया, जब भी पहुंच गया, हमारा 5 लाख का काफिला है, जिस टाइम पहुंच गया हम उसी टाइम ये संघर्ष शुरू कर देंगे। ये पहले ऐसे बैरिकेड का 5 तोड़ के आए हैं, 15 मिनट के पहले हम लोग ये बैरिकेड तोड़ने